उत्तर प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों में सियासी युद्ध छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज के शो में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती पर बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा था कि मायावती वही करती हैं जो भाजपा उन्हें करने के लिए कहती है, जिसका बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसका करारा जवाब दिया। मायावती का अखिलेश पर पलटवार। सपा को बताया भाजपा का यार। बुआ के वार, बबुआ को नागावार। 2019 का लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने वाली सपा और बसपा इस बार एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। हमले की शुरुआत बसपा सुप्रीमो मायावती ने की, एक के बाद एक तीन ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि सपा यूपी में अपना जनाधार खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार पार्टी व इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान तथा आपराधिक तत्वों से इनकी खुली साठगांठ और जेल मिलान आदि की खबरें मीडिया में आम चर्चाओं में हैं, तो फिर लोगों में निराशा क्यों ना हो। मायावती के अखिलेश यादव पर हमला बोलने के बाद अखिलेश यादव ने भी मायावती पर हमला बोला। अखिलेश ने अपने जवाबी हमले में बसपा मायावती के साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी कई आरोप लगाए। 24 के चुनाव में अपने खिलाफ जनता के आक्रोश और जनहित में काम करने वाले दलों की एकजुटता देखकर भाजपा बौखला गई है, इसीलिए अपने लाउड स्पीकर दलों से अनाप शनाप बातें कहलवा रही है। इन लाउड स्पीकरों का माइक कहीं और है। जनता को धोखा देने वाली भाजपा और उनके नालबद्ध दलों को जनता सबक सिखाएगी। 2019 में बुआ और बबुआ की जोड़ी में इतनी दरार आ गई कि दोनों तरफ से बयानबाजी के शब्द बाण एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। ताजा हमले के पीछे अखिलेश यादव का बयान है, जो पिछले दिनों उन्होंने एबीपी न्यूज को दिया था। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती, तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, अगर आप जमीन पर देखेंगे, उनके फैसले देखेंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है, तो आप नहीं बोलेंगे, दो दिन बाद आप समर्थन कर देंगे बीजेपी का। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वक्त है, उससे पहले ही उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ भाजपा के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ बयानबाजियों का दौर अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।